चिंचवंड के आलंदी क्षेत्र में तीर्थ क्षेत्र विकास योजना के तहत आलंदी शहर में सार्वजनिक शौचालय के निर्माणाधीन बांध काम चल रहा था, तभी अचानक एक मजदूर ऊपर से गिरने से उसकी गहरी चोट आई और पिंपरी के YCM उपचार के लिए भर्ती कराया गया, लेकिन उसकी उपचार के दौरान मौत हो गई। इस घटना के बाद ना तो शख्स को ठेकेदार आर्थिक की मदद की गई और ना ही प्रशासन की ओर से इस घटना की कोई जांच की गई। तीर्थ क्षेत्र आलंदी, वैसे तो यहां भक्तों का जमावड़ा हमेशा देखने को मिलता है, इसलिए सार्वजनिक शौचालय बनाने का काम आलंदी परिसर में चल रहा था। 3 मंजिला इमारत से गिरने से एक शख्स की जान चली गई। इस घटना के बाद परिवार पर मातम छा गया, लेकिन इस घटना की सुध ना तो ठेकेदार ने ली और ना ही किसी फील्डर ने। काशीराम मानवत कर ऐसा मृतक का नाम है। इस घटना से परिवार वाले रास्ते पर आ गए हैं। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम ना होने की वजह से मजदूर की अपनी जान गंवानी पड़ी। अगर ठेकेदार नौ सुरक्षा के उपकरण उपलब्ध कर दिए होते तो आज मजदूर परिवार रखे बीच होता, लेकिन ठेकेदार ने कोई मदद ना करने से परिवार ने मदद की गुहार लगाई है। इस मामले के चलते पुलिस स्टेशन में ठेकेदार और बिल्डर के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया है। अब देखना ये होगा कि मामूली मजदूर के मौत की सुध ठेकेदार या बिल्डर लेते हैं या फिर इस परिवार को दर बदर भटकना पड़ता है। दिन जब यकदस थे ना, उस दिन वो काम करने के लिए चले गए थे 3 आदमी। उसके बाद वो दिन भर काम किया, 4:30 5:30 बजे वो नीचे गिरकर पहाड़ के ऊपर 3rd माले के ऊपर से पैर गिरकर नीचे गिर गया। उसका मुंडी टूट गया और पैर दोनों हाथ भी टूट गए। माथे पे ज़्यादा लगने के बारे से वो चक्कर आके वो हॉस्पिटल लेके गए हम लोग। और उसके बाद उधर जिस बार ट्रीटमेंट कर रहे थे वही टाइम उसने एक दिन और एक रात कटी। उसके बाद गणपति विसर्जन के दिन में सुबह 5 बजे दम तोड़ दिया। अगर ये लोग आपने लेकिन इतने दिन में उनके ऊपर कुछ कार्रवाई नहीं हुई, वो लोग देखने के लिए आए नहीं या कुछ फोन भी नहीं हमको आगे। हम लोग तो क्या मांग करते आप ठेकेदार पर? ठेकेदार पर यही बोलेंगे हमारा नुकसान भरपाई करके और उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई करो। अगर ये प्राइवेट में लेके जाते तो ये जिंदा बच जाता। वो माले 3rd माले पे कोई सेफ्टी बेल्ट नहीं, कुछ जाली नहीं, कुछ भी नहीं, सेफ्टी के लिए कुछ भी नहीं। वो बिल्डिंग पे ऐसे ही लोग काम कर रहे, अभी तक वो ऐसा ही पड़ा है। अच्छा, कोई किसका फोन नहीं, ठेकेदार का फोन नहीं। पुलिस ने भी टाइम पे मदद ना करने के बावजूद ये पुलिस ने भी टाइम पे कोई ध्यान दिया नहीं। और हमने जेब से पैसा डाल के वो मैत का खर्चा जो भी खर्चा पानी हम सब मिल के घर वाले से करके मैत किए हम लोग। तो क्या अभी किस तरीके की मांग कर रहे हैं ठेकेदार पर कानूनी कार्रवाई? ठेकेदार को अभी कार्रवाई करके हमारा भाई का जो भी नुकसान भरपाई होगा। हमारे परिवार के एक आदमी चला गया, इसीलिए हमको ठेकेदार के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। और भी दूसरी बार कोई आदमी उधर काम करेंगे तो वो गिर कर मर सकता है, इसके वजह से वो ठेकेदार के ऊपर कड़क कार्रवाई करेंगे और दूसरा कोई आदमी का जान बचेगा। ऐसे शहर के अंदर आलंदी विकास आराखड़ा जो गवर्नमेंट ने तय किया है, उसका जो सुलभ शौचालय का काम चालू था, उसका पेंटिंग का काम चालू था, जिस कॉन्ट्रैक्टर को काम मिला था उसने सब कॉन्ट्रैक्टर को दिया था, सब कॉन्ट्रैक्टर ने उसके लेबर लगाए थे पेंट करने के लिए। वो जो पेंटर बोल के काम कर रहा था उसका वो बांबू से पैर फिसल के नीचे गिर के गिरने के बाद सर को चोट आने के बाद वो उसको हॉस्पिटल में एडमिट किया था, वहाँ दवा उपचार करते समय वो एक्सपायर हो गया है। तो उसकी तहकीकात चालू है। CRPC 174 के दहेज अकस्मात मृत्यु की नोट आलंदी पुलिस थाने में हुई है। तो उसकी तहकीकात होने के बाद जो कोई दोषी रहेगा, कॉन्ट्रैक्टर हो या सब कॉन्ट्रैक्टर हो गए, उसके ऊपर तहकीकात करने के बाद हम गुनाह दाखिल कर रहे हैं।